Action. Principles of Systematics Module 194 Warm blooded and cold blooded animals. Warm blooded animals are those animals which have ability to regulate bo their body temperature. For example, mammals and birds. And those animals which do not have ability to regulate their body temperature are known as cold blooded animals. एनिमल्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वाम ब्लडेड एनिमल्स दरअसल ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स के लिए टर्म्स इस्तेमाल की जाती थी जो कि अपना बॉडी टम्परेचर रेगुलेट करने के काबिल नहीं होते अब अगर हम वाम ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स वाम ब्लडेड एनिमल्स की एग्जाम्पल्स हैं इसी तरीके से फ्रॉग फिशिज इन्वर्टिब्रेट्स ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स रखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है अब अगर हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो फोर्टी डिग्री है लेकिन इसके बावजूद हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो थर्टी सेवन ही रहता है हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि जो एक्स्ट्रा हीट हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में उसको हमारी बॉडी निकाल देती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहे इसी तरीके से अगर हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की हीट है वो मेंटेन रहती है हमारे बॉडी के अंदर इस किस्म के मैकेनिज़म्स स्टार्ट हो जाते हैं उसके अंदर जैसे शिवरिंग स्टार्ट हो सकती है या जो मेटाबॉलिक हीट है वो बॉडी के अंदर मौजूद रहती है और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने में मदद करती हैं ये जबकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन की जो एबिलिटी है वो नहीं होती बॉम्बलेटेड एनिमल्स की एग्जाम्पल्स में हमने बर्ड्स और मैमल्स की बात की ये जो एनिमल्स हैं क्योंकि ये अपने बॉडी का टम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं ये मुख्त किस्म के हैबिटेट्स के अंदर आसानी से सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि अगर डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर डिफरेंट इन्वामेंटल कंडीशंस के अंदर टम्परेचर अगर डिफरेंट है तो इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सके इस वजह से इनकी जो रेंज है इनकी जो डिस्पर्शन रेंज काफ़ी बड़ी होती है जबकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर क्योंकि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की सलाहियत नहीं होती इस वजह हो से इनकी जो डिस्पर्शन रेंज है वो लिमिटेड होती है ये स्पेसिफिक एरियाज के अंदर रहते हैं ये जो क्लासिफिकेशन थी ये कास्ट काफ़ी देर तक इस्तेमाल होती रही लेकिन बाद में इस क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ा उठाए क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि आते तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर हैं लेकिन वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमिंग बर्ड्स की बात करें तो हमिंग बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है फॉर एग्जाम्पल रात के वक़्त जब वो एक्टिव नहीं होते तो वो अपने बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर लेते हैं उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कम हो जाती है ये जो एक स्पेसिफिक फिनोमेना है जो हमिंग बर्ड्स फॉलो करते हैं इसको डेली टॉरपर का नाम दिया जाता है तो इसी तरीके से बहुत सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रखते हैं जो कांस्टेंट रखते हैं फॉर एग्जाम्बल बहुत सारी जो फिश की स्पीशीज हैं वो पानी के नीचे ऐसी जगह पर मौजूद रहती हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता इस बेस के ऊपर इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहता है इसी तरीके से लिजर्स की जो स्पीशीज हैं सन बात करती हैं जब उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है ये एक्सटर्नल हीट एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्योंकि बहुत सारे मसाइल थे इस वजह तो से इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद एक नई क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाई तो बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इनकी जो डिस्पर्शन रेंज है वो काफ़ी बड़ी होती है ये मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वामेंटल कंडीशंस के अंदर आसानी से सरवाइव कर सकते हैं लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की जो रेंज है वो काफ़ी नैरो होती है ये लिमिटेड होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं स्पेसिफिक एरियाज के अंदर और वहीं के ऊपर ये अपनी लाइफ गुजारते हैं